आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है। भगत सिंह वो शख्सियत जिन्होंने युवाओं को देश के प्रति प्रेम करना, देश के प्रति अपने प्राणों की आहुति देना, ये चीजें उन्होंने सिखाई कि किस प्रकार से देश के लिए जिया जाता है और किस प्रकार से देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी जाती है। भगत सिंह एक छोटी उम्र में एक क्रांतिकारी नेता जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और केवल 23 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गए। और आज का युवा देखिए केवल नशे की ओर बढ़ रहा है, वो नशे की ओर अग्रसर है। हम उन युवाओं से ही अपील करना चाहते हैं कि भगत सिंह जी से कुछ सीखिए, भगत सिंह जी के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कीजिए। भगत सिंह जी ने जिस प्रकार से देश के लिए प्राणों की आहुति दी, देश के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया, इन युवाओं को भी देश के लिए इस प्रकार से प्रेम जो है वो जाहिर करना चाहिए। और देश के लिए ही किस प्रकार से जिया जाता है, देश के लिए किस प्रकार से मरा जाता है, ये उनसे सीखना चाहिए। हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, हर साल हम भगत सिंह शहीदी दिवस मनाते हैं, भगत सिंह का जन्मदिन दिवस मनाते हैं और सरकार से एक मांग करते हैं। केवल हम नहीं, पूरे देश के अंदर ये मांग उठी हुई है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के शहीदों का दर्जा दिया जाए। जो अभी तक नहीं मिला वह सम्मान जो उनको मिलना चाहिए था, वह सम्मान अभी तक उनको नहीं मिला। आज भी हम आपके चैनलों के माध्यम से सरकार से यह अपील करना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन तीनों शूरवीरों को शहीदों का दर्जा देने का काम करे। अनस्था, हमें इस आंदोलन को और भी तेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मांग जो है पूरे देश की मांग है। जब सरकारें मानती हैं कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तब भी सरकार अभी तक इसमें देरी क्यों कर रही है? यह सरकार से हम